रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीसी ग्राउंड में खेल रहा 12 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया। परिजनों ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो जानकारी मिली कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अपहरण होने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। आनन फानन में पुलिस की दो टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई। बच्चे का एक घर सिमरिया थाना क्षेत्र में है और अपहरणकर्ता भी वहीं का निवासी था। अपहरणकर्ता ने अपहरित बालक को नशे की गोलियां खिलाकर सिमरिया स्थित अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया। घटना शुक्रवार शाम 4-5 बजे की है, जिसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित TRS कॉलेज के पीछे रहने वाला बच्चा NCC मैदान में खेल रहा था, जिसका अपहरण हो गया। अपहरित बच्चा का गाँव सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित मटिमा गाँव है। अपहरणकर्ता भी बच्चे के गाँव का निवासी है। बच्चा मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, उसी दौरान अपहरणकर्ता ने बच्चे का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता अंकित मिश्रा बच्चे को बैंक में बैठाकर रफू चक्कर हो गया। घटना की सूचना इस नवनीत भसीन को मिली, जिसके बाद सिविल लाइन थाना और सिमरिया पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस की दो टीम और परिजन रात भर बच्चे की तलाश करते रहे। सुबह होते ही पुलिस और बच्चे के परिजनों को जानकारी मिली कि अपहरित बालक आरोपी अंकित मिश्रा के घर पर है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सतर्कता से बच्चे को बरामद किया गया और अपहरणकर्ता को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता अंकित मिश्रा ने पहले बच्चे का अपहरण किया और अत्यधिक मात्रा में उसे नशे की गोलियां खिलाई। अत्यधिक नशे की गोलियां खाने से बच्चे को खिलाई गई, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी नशे की हालत में था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके पास से चाकू के अलावा अन्य धारदार हथियार बरामद किए। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। शाम को 5 बजे मेरा छोटा भाई चचेरा भाई यहाँ सिरमौर चौराहा में जो ग्राउंड है NCC उसी में खेल रहे थे, और एक गांव का ही लड़का अंकित मिश्रा और पिता राम नरेश वो आके उसको गाड़ी में बैठाया और लेके रात भर फरार था। पता नहीं कहाँ ले गया, क्या खिला दिया क्या पिला दिया। 10-12 साल का लड़का है और मम्मी चली गई थी, मम्मी थी नहीं वहाँ पर। उसके बाद जैसे हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग आके थाने में रिपोर्ट करवाए। रिपोर्ट करवाने के बाद SP साहब से बात हुई, SP साहब को बताने के बाद TI साहब सिमरिया को भी बताया, तो वो भी पूरा प्रयास रात भर किए हैं और ये लोग भी हम लोगों के साथ पूरी रात भर घूमे। IUS की इसके परिजन ने रिपोर्ट की थी थाना सिविल लाइन में कि उनका बेटा जो है घर पर नहीं है, कोई उठा ले गया है। तो उस सूचना पर तत्काल जो है अपराध का पंजीयन किया गया और थाना सिविल लाइन में फुटेज की तलाश की, और फुटेज में एक संदेही मिला जो उन्हीं के गांव मटिमा थाना सिमरिया का रहने वाला था, उसके घर जा करके उसे बरामद करके लाए हैं। अभी पूछताछ जारी है। उसको पैसे से भी कई चोरी के आरोप लगे हैं, ये बताया जा रहा है। सिमरिया थाने का रहने वाला है वो, कि सिमरिया थाने ने कुछ चोरी के अपराध में उन पर पहले संदेह किया गया है। अभी ये विवेचना का विषय है। बच्चा भी जो है थोड़ा सा सो रहा है, बच्चा जब जागेगा उससे पूछताछ होगी। इस बाद उसके बाद ये विषय आएगा कि वो क्यों ले गया। गुड मॉर्निंग TV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग TV को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।